भारत के पूर्व क्रिकेटर राजौर बिन्नी बनेंगे बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष, सौरभ गांगुली की लेंगे जगह, सूत्रों ने किया दावा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे बन सकते हैं राजौर बिन्नी बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष, तो इस वीडियो को एक लाइक कर साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एएसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर देना। हाईलाइट सूत्रों के अनुसार बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के रूप में सौरभ गांगुली की जगह लेंगे। अगले चुनाव पर चर्चा के लिए शीर्ष अधिकारियों के बीच एक दौर की बैठक हो चुकी है। शाह ने बीसीसीआई सचिव के रूप में बने रहने की उम्मीद है। मुंबई भारत के पूर्व क्रिकेटर राजौर बिन्नी अगले बीसीसीआई अध्यक्ष बनेंगे। शुक्रवार को सूत्रों ने दावा किया है कि बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद रूप में सौरभ गांगुली की जगह लेंगे। अधिकारी निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट संघ सौरभ गांगुली और वर्तमान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष अपने कार्यालय के दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं। संभव है कि आने वाले हफ्ते भारतीय बोर्ड साथ न जुड़े हो। सूत्रों के मुताबिक अगले चुनाव पर चर्चा के लिए शीर्ष अधिकारी के बीच एक दौर का बैठक हो चुकी है। बैठक के एक और दौर अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाला है, जहां राज्य संघ और बीसीसीआई चुनाव पर अपने विचार साझा करेंगे। पूर्व क्रिकेटर विश्व कप जीते क्रिकेटर राजौर बिन्नी की बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली की जगह लेने के लिए सबसे आगे कहा जाता है। जय शाह के बीसीसीआई सचिव के रूप में बने रहने की उम्मीद है। हाल ही में गांगुली के साथ साथ जय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बोर्ड को अपने संविधान को बदलने की अनुमति देकर अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई के राज्य संघ में एक कार्यालय और बीसीसीआई में एक कार्यालय पूरा करने वाले पदाधिकारी के लिए ऑफ अभिजीत को माफ करने की बीसीसीआई के याचिका को भी स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुल ऑफ में विदा लगातार दो कार्यालय के बाद भी आएगी। इसका मतलब है कि एक पदाधिकारी राज्य में संघ में 6 साल के अभित के लिए और बीसीसीआई के में एक बार 6 साल के लिए पद पर रह सकते हैं। इसके बाद कूलिंग ऑफ विदाई 3 साल के लिए लागू होगी। आपकी क्या राय है कि सौरभ गांगुली फिर से रहना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।